कि क्या अगर बस्तर में वापसी करनी है तो बस्तर विधानसभा सीट को भी उन्हें किसी न किसी रूप में जीतने की आवश्यकता है। जीतते हैं या नहीं यह तो मतदाता फैसला करेंगे, लेकिन भाजपा ने प्रयास यही किया है। सुभाव कश्यप का टिकट काटा है, मणिराम कश्यप को एक नया उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या लखेश्वर बघेल एक बार पुनः कांग्रेस का परचम लहरा पाते हैं या वापसी भाजपा की होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये तो खैर 7 तारीख को जब मतदान होगा और जब रिजल्ट आएंगे 3 तारीख 3 दिसंबर को, तब चीजें सामने दिखेंगी। इस वक्त हमारे साथ हमारे बस्तर के ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र तिवारी हमसे सीधे जुड़ गए हैं, जो वहां के तमाम लोग मतदाता हमसे जुड़े हुए, हमसे बात करने के लिए बेताब हैं, हमसे अपनी जो समस्याएं हैं, जो चीजें हैं वो शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बस्तर से जगदलपुर, और हम इस वक्त बात करेंगे बस्तर विधानसभा। तो धीरेन्द्र आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं धीरेन्द्र आप? मोहित जी बहुत अच्छे हैं और इस वक्त अभी जगदलपुर में और बस्तर की जगदलपुर विधानसभा और आज मौजूद जगदलपुर शहर के दलपत सागर में भी इस वक्त और जगदलपुर विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो 2003 के बाद यहां पर लगातार भाजपा 2018 में यहां पर कांग्रेस पार्टी के। धीरेन्द्र जी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहूंगा, आप शायद नेटवर्क पे नहीं है या नेटवर्क की परेशानी हो रही है, थोड़ा सा आप नेटवर्क पे भी आ जाएं और थोड़ा सा आवाज में भी दिक्कत आ रही है, तो हम फिर से जुड़ेंगे वहां पर धीरेन्द्र तिवारी से। जब तक से मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बताना चाहूं, जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र चूंकि शहरी क्षेत्र है और मुख्यालय है बस्तर का, निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो तमाम जनता है या प्रदेश की जो नजर है वो जगदलपुर विधानसभा पे रहेगी। कांग्रेस हो, भाजपा हो, अन्य दल हो, सभी की निगाहें जगदलपुर की जो अहम सीट होती है उस पे होती है। जगदलपुर विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है